पर सोचा रे चचिया कुल टिके हो। अरे हम क्या जाने की हमार भैया आज पूछी के गलिया ना रहे वो भैया। अरे क्या हो गए बप्पा आए हो भैया हमारे भैया तो जेल गए न हो भैया। गाजीपुर ज़िले में हम हैं और गाजीपुर ज़िले में आज बड़ी दुख के साथ यह वीडियो हम बना रहे हैं और जो कि हमारे साथ एक गाजीपुर ज़िले में शहीद सतीश सिंह के नाम से जो थे वो शहीद हो चुके हैं और कल उनका पार्थिव शरीर यहां पे घर पे पहुंचेगा। हम बता दें जगह का नाम कि इस समय गाजीपुर ज़िले में और विधानसभा पड़ जाता है सैदपुर, तहसील भी सैदपुर है और यह गाँव है मौधा। आप आएंगे सैदपुर से तो सीधा मौधा के लिए एक रास्ता कटा हुआ है ओडियार से होते हुए तो वहाँ उनके घर पे इस समय हम हैं और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कुछ पत्रकार लोग भी आए हुए हैं और उनके कुछ परिजन भी हैं और इधर उनका घर है तो चलिए उनसे कुछ हम बात करते हैं। भैया आज के मामा के लड़के हैं इनसे हम बात करते हैं। वो कब शहीद हुए? वो 16 तारीख को लगभग 12 बजे के लमसम शुक्रवार के दिन। पार्थिव शरीर देखिए 20 तारीख को लगभग सुबह के लमसम आने की अनुमान है जो सूचना 18 तारीख है। हाँ क्योंकि वहाँ पे भूस्खलन की वजह से मेघालय की पूरे राज्य की कंडीशन बहुत ख़राब है, आवागमन बाधित है, बारिश की वजह से सारी रास्ते भूस्खलन की वजह से टूट चुकी हैं और कोई ट्रेन भी नहीं आ सकती है। इस वजह से दूसरे मार्ग से शिलांग बॉडी को लाया जा रहा है, वहाँ से ऑफिशियल वर्क होने के बाद उस लगभग 20 तारीख को सुबह तक बॉडी आ सकती है जो सूचना मिल रही है। अगर कोई आना चाहता है तो कोई संपर्क है जो कि आ सकता है यहाँ पर? कैसा संपर्क? जैसे संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर? हाँ मोबाइल नंबर जिसका चाहेंगे मिल जाएगा जी। बोल दीजिए अपना ही 88 96 31 69 48। देखिए दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं तो 20 तारीख को यहाँ पे आइए और हमारे देश में देश की रक्षा करते हुए गाजीपुर के लाल जो शहीद हुए इनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। फोर्स में रहते हैं तीनों भाई, फोर्स में रहते हैं। उनके 3 भाई हैं जबकि सबसे बड़े थे BSF में थे, 2 छोटे लोग जो हैं वो आर्मी में हैं। अच्छा, एक लोग घर पे ज्वाइन हुई थी? इनकी ज्वाइनिंग 2004 की है BSF में। 2004 की? कितने लड़के थे? एक लड़का एक लड़की है, लगभग 10-11 साल के। तो दोस्तों आज हम थे गाजीपुर ज़िले में और सैदपुर विधानसभा में मौधिया गांव है, मौधा गांव है। तो दोस्तों यहां पे वीडियो समाप्त करते हैं और लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि कब उनकी पार्थिव शरीर आ रही है और कैसे क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त कर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।